स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एजेंडा ऑफ द सेशन क्या रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइव वोकैबुलरी, फाइव सिनोनिम्स, फाइव एंटोनिम्स, फाइव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फाइव ईडियम एंड फ्रेजेस एंड फाइव मिसलेनियस वर्ड्स। तो पहला जो सेक्शन है वो है वोकैबुलरी का। पहला वर्ड देख लेते हैं, वो है रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, रिवोक करना, कैंसिल करना, एक्सटर्मिनेट करना, निगेट करना, क्वेश करना, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑब्सीक्वियसनेस। ऑब्सीक्वियसनेस जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। कोक्स, वेडल, साइकोफेंसी, ब्लैंडिसमेंट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है परगेशन। परगेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, खाली करना। एब्ल्यूशन, इवैक्यूएशन, क्लींजिंग, एक्सप्यूरेशन, मतलब किसी चीज़ को प्योर करना, क्लीन करना या खाली करना, इन सब के टर्म में परगेशन का यूज होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टिमरस। टिमरस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, डरपोक। टिमिड, स्नीकी, फेंट हैंड हर्टेड, साई एंड स्किटिस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अनऑब्ट्रूसिव। अनऑब्ट्रूसिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, सादा, बहुत ही सिंपल सा। सिंपल, अनडिमांडिंग, सोबर, चेस्ट, अनसोफिस्टिकेटेड, अनएज्यूमिंग, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का सेक्शन। पहला वर्ड है डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, घमंडी। सिनोनिम्स हो जाएंगे प्राउडी, हाई ब्रो, हाउटी, कैवेलियर एंड सुपरसिलीसियस। एंटोनिम्स हो जाएंगे सबसर्वियंट, सबमिसिव, टिमिड एंड साई। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एवराइस। एवराइस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, लो। जो लोभी होते हैं, लालची होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एवराइस। सिनोनिम्स हो जाएंगे सोलिसिटेशन, टेम्पटेशन, ग्रीडीनेस, स्ट्रिंगनेस, रैपेसिटी। एंटोनिम्स हो जाएंगे जेनरसिटी, बेनेवोलेंस, मैग्नानिमिटी एंड बेनिफिशियंस, मतलब बहुत ही उदारता, मतलब सबकी भलाई करने वाला, अच्छा करने वाला विदाउट किसी लोभ के, तो उस टर्म में ये इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्रीन आइड। ग्रीन आइड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति जिसको दूसरे से जलन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन आइड। सिनोनिम्स हो जाएंगे एनवे, जेलस, कोवेटियसनेस एंड रैपेसियस। एंटोनिम्स हो जाएंगे एडमायरिंग, प्राउड, ट्रस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है वो है अगस्ट। अगस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, भव्य, बहुत ही शानदार, बहुत ही राजसी सा, बहुत ही ग्रैंड। सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रैंड, मजेस्टिक, लॉफ्टी, डिग्निफाइड एंड रीगल। एंटोनिम्स हो जाएंगे अनअवेशम, अनऑसम भी बोल सकते हैं, अनइम्प्रेसिव, अनइम्पोजिंग, अनइंस्पायरिंग एंड कॉमन, बहुत ही नॉर्मल सा, इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं, तो ये इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसका मतलब क्या होता है, जिसमें पहला वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बहुत ही अत्यंत प्रशंसा तथा उत्तेजना की भावना, बहुत ही इंथुजियास्टिक, बहुत ही जील होना, बहुत ही पैसिनेट होना, ईगर होना, उस टर्म में इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट जिसका मतलब क्या होता है, सर्वज्ञानी, जिसके पास सारी नॉलेज हो, उसे क्या बोलते हैं, ओमनिसिएंट, नोज एवरीथिंग एंड हैज़ अनलिमिटेड नॉलेज। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हेपोक्राइट। हेपोक्राइट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ढोंगी सा होता है, ढोंगी सा या पाखंडी सा, मतलब जो जो होता है वो दिखाने की कोशिश नहीं करता, पर वो अंदर से जो है वो दिखता नहीं है उनका, तो वो क्या बोलते हैं, वो अपनी जो रियल कैरेक्टर है उनको हाइड करके रखते हैं, प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, जो है नहीं वो बनना, उसे हम क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड है इंटरल्यूड, जिसका मतलब क्या होता है, अंतराल, मतलब एक इंटरवल लेना बीच बीच में, अ पॉज बिटवीन द एक्ट ऑफ प्ले। नेक्स्ट वर्ड है वो है एकॉस्टिक, जिसका मतलब क्या होता है, श्रवण विषय, जिसमें हम ध्वनि, जिसमें हम साउंड के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है ईडियम एंड फ्रेजेस का। तो पहला जो ईडियम है वो है कट ए सॉरी फिगर। इसका मतलब क्या होता है,
क्रिएट अ पुअर इम्प्रेशन, किसी के सामने बहुत ही गंदा इम्प्रेशन, गंदा प्रभाव बनाना, उससे हम क्या बोलते हैं, कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो फाइट साई ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ को मतलब बहुत अवॉइड करना, दूर रखना, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइट साई ऑफ। नेक्स्ट वर्ड वो है स्टीयर क्लियर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज़ नॉट, इट इज़ डेंजरस फॉर यू, मतलब किसी चीज़ को दूर रखना, किसी चीज़ को अलग रखना, अवॉइड करना, क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ईट हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है, टू अपोलाइज हम्बली, मतलब किसी से विनयपूर्वक माफ़ी मांगना, ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है अलादीन्स केव, आप लोगों ने ये सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स रखा हो, तो इस टर्म में यूज करते हैं अलादीन्स केव। लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो है फ्रेजल वर्ब का मिसलेनियस में, पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है गेट रीड ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है, उससे दूर हटना या उसको हटा देना, उससे छुटकारा पा लेना, टू एलिमिनेट। नेक्स्ट है वो है आयरन आउट, इसका मतलब क्या होता है, टू रिजॉल्व बाय डिस्कशन या एलिमिनेट डिफरेंसेस, किसी भी डिफरेंस, किसी भी भेदभाव को हटाना डिस्कशन से, उसे हम क्या बोलते हैं, आयरन आउट। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है किक ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, टू बिगिन और स्टार्ट। नेक्स्ट है पे बैक, जिसका मतलब क्या होता है, टू रीइंबर्स, मतलब किसी चीज़ को दोबारा, किसी चीज़ के लिए पे करना, किसी चीज़ को रीइंबर्स करना, मतलब आप लोगों ने कूपन में देखा होगा कि आप लोगों को वाउचर मिला है तो उसको क्या करना, रीइंबर्स करना, मतलब पुनः आपको कुछ कैशबैक मिलता है या कुछ पे बैक मिलता है, उस टर्म में इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है चिप इन, जिसका मतलब क्या होता है, हेल्प। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब, सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।